हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं आज ये बताऊंगी कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी थी सीटेट को क्रैक करने के लिए, और मैंने कौन कौन सी बुकें परचेज की थी। आज मैं उन बुक को भी आपको दिखाऊंगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों के साथ अपना नोट्स भी शेयर कर दूंगी। और आप वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे आपको सारी बुकें पता चल सके, जिससे आप कम टाइम में अच्छे से सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके देख लेते हैं वो बुकें कौन सी थी जिससे मैंने प्रिपरेशन की, और वो स्ट्रेटजी क्या थी, और मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो अगर आप सीटेट फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो सबसे बेस्ट बुक आपके लिए ये हो सकती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है टेट और सीटेट दोनों के लिए एकदम अच्छी बुक है, और ये यूथ पब्लिकेशन की है फ्रेंड्स। इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए हैं, और वो भी विद सॉल्यूशन। उसके नीचे आपको अच्छे से सॉल्यूशन भी दिया गया है। मैं अभी आप लोगों को खोल के दिखा दे रही हूँ, जिससे आप लोगों को इसमें प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर आज तक हुए हैं वो सारे सॉल्व पेपर्स में आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए आप लोग कि पहले क्वेश्चन दिए हुए हैं, सेम उसके नीचे ये देखो, सेम उसके नीचे उसका आंसर ये देखो बॉक्स बना के उसमें दे दिया गया है, आंसर भी दिया गया है, और उसके साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी दिया गया है कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ। ये सारी चीज़ें हैं, आपको अदर कहीं से पढ़ने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है कोई भी क्वेश्चन। तो इसी तरह से करके इसमें टोटल ये है 1 to 5 के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है फ्रेंड्स। तो इसमें अभी हम आपको बताते हैं इसमें कितने सारे पेपर दे रखे हैं। 2000 ये देखिए सारे सॉल्व पेपर हैं, 2011 से 2021 के बीच में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर इसमें दिए गए हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए इसमें दे दिया गया है 2011 से 2021 तक के जितने भी पेपर हैं इसमें दिए गए हैं। और आप पीछे जब सारे पेपर सॉल्व पेपर है उन्हें पढ़ लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा से भी मटेरियल इसमें दिया गया है, आप उसे पढ़ के अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि सीटेट में नए क्वेश्चन तो होते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे ही बेस्ड होते हैं। तो अगर आप पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ दूसरी बुक जो 6 to 8 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये देखिए, ये भी यूथ पब्लिकेशन की है फ्रेंड्स, ये 6 to 8 की है, टेट और सीटेट के लिए ये भी है। तो मैंने ये प्रैक्टिस सेट है जो मैंने लास्ट टाइम में लगाई हुई थी, और फ्रेंड्स मैंने अलग से कोई भी बुक 6 to 8 के लिए नहीं ली थी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अब जरूर होता है लेकिन पैटर्न वही रहता है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैंने जो किया था मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ, और आप लोगों को भी वही करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे पास प्रीवियस ईयर के इतने सारे पेपर पड़े हुए हैं, जो मेरी फ्रेंड सर्कल में जिन लोगों ने पहले दे रखा था और जिन लोगों ने बाद में मुझे बाद में देना था, तो मैंने उन लोगों से ही सारे पेपर ले लिए थे। ये देखें, संस्कृत भाषा सीटेट, संस्कृत, ये संस्कृत का फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत था तो, और मैं ऑनलाइन क्लास भी करती थी जो मैं आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं बता दूंगी कि मैंने किस चैनल से अपनी तैयारी की थी। और मैं प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करती थी, और मैंने अभी जो आप लोगों को दिखाया प्रैक्टिस सेट, वो प्रैक्टिस सेट लगाती थी।
बस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं यही सब किया था, मैंने एक्स्ट्रा बुकें नहीं खरीदी थी, और मैंने सीटेट के साथ साथ सुपर टेट की ये बुक खरीदी थी जो जिसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया सीटेट को क्रैक करने में, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है मुझे इससे। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं अगर आप लोग 1 to 5 के लिए कर रहे हैं तो। और मैंने जो ये सामान्य ज्ञान जो जीके जीएस आते हैं 60 नंबर के, पेडागॉजी, तो मैंने इन सब चीज़ों से पढ़ ली थी और थोड़ा ऑनलाइन कर लिया था। और जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आती थी उसका मैं एक दो वीडियो फिर मैं देख लेती थी यूट्यूब पे, और तब तो मुझे ज़्यादा चैनल के बारे में नॉलेज भी नहीं था फ्रेंड जब मैंने स्टार्ट किया था इसकी प्रेपरेशन, लेकिन आज तो मुझे बहुत ज़्यादा पता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको मैं बता दूंगी कि आप लोगों को कहाँ से खूब अच्छे से तैयारी करनी है। एक से एक चैनल है जो सीटेट के लिए एकदम अच्छे से प्रेपरेशन करवा रहे हैं कि अगर आप जीरो से करना चाहें तो जीरो से आपको एकदम अपर लेवल तक वो लोग ले जाएंगे, क्योंकि वो लोग एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग अगर बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, आप लोगों को ये देखना है कि सीटेट में अब पेपर कैसे आते हैं, क्या करना है, तो आप लोग सबसे पहले जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसके पास है आप ले लीजिए। अगर नहीं मिल रहा आपको तो मार्केट में बुकें है अवेलेबल, आप वहां से ले सकते हैं, आप वो ले लें। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेके मैं अपने चैनल पर डाल भी दूंगी, तो जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी, आप लोग देख सकेंगे कि कैसे पेपर आते हैं और आप लोगों को किस लेवल की तैयारी करनी है और कितना आप लोगों का तैयार है। तो ये संस्कृत है सीटेट का, और ये देखें मैंने एक नहीं बहुत सारे पेपर इकट्ठे किए हैं, मैंने इनको सॉल्व किया है, और एक बार नहीं बार बार किया है। जो क्वेश्चन मेरे रह जाते थे मैं उन्हें दोबारा से करती थी ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि एग्जाम हॉल में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है हमारे पास कि हम उसको बार बार से क्वेश्चन को पढ़ सके, हमें जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पढ़ना होता है क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन बड़े होते हैं और उनके पैडागॉजी होती है तो उसे समझने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो एक क्वेश्चन कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करना ही पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन बड़े होते हैं, आगे का पढ़ा पीछे का भूल जाता है, पीछे का बड़ा तो आगे का ऐसे होता रहता है, तो फिर हम लोगों को भी वही करना होता है फ्रेंड कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को जब तक समझ में क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं आ रही 2 3 बार पढ़ना है, उसके बाद हमें देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्योंकि सीटेट के क्वेश्चन बड़े ज़रूर होते हैं लेकिन अगर वो समझ आ गए तो बहुत ईजी होते हैं। तो मैं आपको निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड्स भी बता दूंगी जो मैंने अपने नोट्स में बना के रखा है, आप लोग बोलेंगे तो मैं निगेटिव और पॉजिटिव जो वर्ड्स होते हैं वो अपने चैनल पे मैं आपको एक दिन उसका भी रिव्यू कर दूंगी। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी सीटेट की बुक, मैंने टेट की भी प्रिपरेशन की थी, मेरा टेट सीटेट दोनों पेपर फर्स्ट सेकेंड दोनों क्वालिफाइड है। तो फ्रेंड्स मेरा जैसा कि मैंने बताया कि मैंने अपनी स्टडी फिर से शादी के बाद ही स्टार्ट की थी, तो मेरा कोई रूटीन नहीं होता था उस टाइम, मैं फैमिली के साथ होती थी हाँ, लेकिन मुझे जब भी टाइम मिलता था मैं उस टाइम पढ़ने बैठ जाती थी। मैंने ये डिसाइड नहीं कर रखा था मुझे कितने टाइम पढ़ना है क्योंकि उस टाइम मुझे कुछ पता भी नहीं था इतना, तो मैं सिर्फ बस ये था कि हाँ मुझे पेपर निकालना है, तो मैं जब भी टाइम मिलता था जब भी मैं फ्री होती थी मैं पढ़ने लगती थी। मेरा ये रूटीन नहीं था मैं 8 घंटे पढ़ूंगी 10 घंटे पढ़ूंगी, कुछ भी नहीं था फ्रेंड्स, बस कोशिश करती थी कि एक सेट एक दिन में ज़रूर ख़त्म करूँ और जो सॉल्व पेपर है हमारे पास मैं उसको भी पढ़ूँ, उसमें जो क्वेश्चंस होते थे। और एक काम आप लोग ज़रूर करें फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं उन्हें आप कॉपी में नोट करें, क्योंकि आप कोई चीज़ लिख देते हैं तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहती है, तो इसीलिए मैं नोट्स भी बनाई हूँ, मेरे पास सारी नोट्स पड़ी हैं हर सब्जेक्ट की, अगर आप लोग बोलेंगे तो हम आपको ज़रूर शेयर कर देंगे कि आप लोगों को नोट्स कैसे बनानी है। पूरी नोट्स तो नहीं शेयर कर पाएंगे फ्रेंड्स हर पेज शेयर कर सके, लेकिन आपको थोड़ा सा अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा कि आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को किसी
किसी भी चीज़ की टेट सी टेट या सुपर टेट, इस सब चीज़ों की कैसे तैयारी करनी है, किस बुक से करनी है, ये जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट ब्लॉग में, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी स्टडी को अच्छे से कंटिन्यू कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके पास शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी अपनी तैयारी खूब अच्छे से कर सके फ्रेंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, धन्यवाद।